हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स 36 इंजीनियरिंग बंदा ब्लॉग्स। तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ, अभी बज रहे हैं 8:45 हो रहे हैं, मतलब क्या कि 8:45 हो रहे हैं। तो मैं 8:30 में उठ गया था, है ना। तो थोड़ा सा मुझे उठने में लेट हो गई, हालांकि क्या लेट हो गई, 2 बजे रात सोया था, तो अभी 8:30 में मैं उठ पाया, है ना। और तो अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं नाश्ता में क्या है। ये अपना नाश्ता तैयार, पराठे मैं खा रहा हूँ दही के साथ, इसमें पुदीना की चटनी भी रहती है, लेकिन आज पता नहीं पुदीने की चटनी ये लोग नहीं दे रहे। और इसके साथ मैं 1 गिलास दूध भी ले सकता था, लेकिन दूध लेके क्या करूँगा, दही के साथ दूध कैसे खाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, भीड़ वगैरह कुछ ऐसा है। उधर उस रूम में लड़कियाँ बैठी हुई है, हालांकि अभी लड़के लड़कियों का दोनों साथी मतलब कि नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खाते हैं। जब नंबर बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, वो लोग गर्ल्स हॉस्टल में ही खाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा ये जो नीचे में है, यहाँ पे, यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे देख सकते हो आप गर्ल्स जा भी रही है नाश्ता करके, है ना। तो एक्चुअली क्या होती है ना कि एक तो गर्ल्स हॉस्टल है सेपरेट लड़कियों के लिए, लेकिन जब लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग को बॉयज़ हॉस्टल के नीचे वाले बिल्डिंग में सेपरेट करके रखा जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में हम लोग रहते हैं, लड़के लोग रहते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे लड़कियां रहती हैं। तो कुछ ऐसा ही है, ये लोग अभी नाश्ता करके जा चुकी हैं, तो काफ़ी सब सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होती है उन लोगों के लिए, सब कुछ अलग है, अच्छा है सब कुछ। तो आपका ये रहा दिन का खाना। दिन के खाने में आपको सोयाबीन के कोफ्ते हैं, सोयाबीन का कोफ्ता, दाल है, दाल किस चीज़ के मुझे पता नहीं, रायता है, वो वेजिटेबल रहता है, सब कुछ मिला के दिया हुआ, और ग्रीन सलाड है, नींबू है, और मैंने तीन रोटी लिया और चावल लिया थोड़ा सा। तो कुछ ऐसा, इस कदर से भीड़ है, डजमल जी मेरा खाने का टेस्ट कैसा है भाई? खाना नहीं मजा है। अबे तुम तो चिकन खाने वाले इंसान हो, हफ्ते में 4-5 दिन कैसे वेरी गुड अमन, अमन वेरी गुड भाई, से अमर भाई। हमारे हॉस्टल के अंदर धुआं धुआं हो रखा है, और हम लोग शुभम जी के साथ है। शुभम जी, आयुष सैफ जी, ये धुआं क्यों है? सैफ जी, शुभम जी, धुआं क्यों? धुआं सब भोले का आशीर्वाद है। साहिल जी, धुआं क्यों है? साहिल, हमारे कॉलेज में मॉस्किटो को हटाने के लिए सस्ती व्यवस्था की गई है।